अगर आप इंडियन इकोनॉमिक सर्विस दैट इज IES की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो काफी आपके लिए यूजफुल होने जा रही है। ठीक है, मैं इस वीडियो में कवर करूंगा इंडियन इकोनॉमिक सर्विस का एग्जामिनेशन आस्क क्वेश्चन का सलूशन, जिनका मैथमेटिकल जो नॉन मैथमेटिकल बैकग्राउंड के हैं उनके लिए काफी ये यूजफुल होगा। आप देख सकते हैं कॉस्ट मिनिमाइजिंग डिमांड फॉर लेबर इज गिवन एल इक्वल टू क्यू बाय 50 अंडर रूट आर बाय डब्ल्यू एंड दैट फॉर कैपिटल इज के इक्वल टू क्यू बाय 50 अंडर रूट डब्ल्यू बाय आर डेयर डब्ल्यू एंड आर डिनोट वेज एंड प्राइस ऑफ कैपिटल। ठीक है, फाइंड द प्रोडक्शन फंक्शन, दो इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन में दिया गया है, कॉस्ट मिनिमाइजिंग डिमांड फॉर लेबर एंड कैपिटल, इसके हेल्प से हमको फाइंड करनी है प्रोडक्शन फंक्शन। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से हमारा काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप डबल एस करें शेयर एंड सब्सक्राइब, अगर आप इंडियन इकोनॉमिक सर्विस की तैयारी कर रहे हैं या आपका प्लान है इन फ्यूचर में इंडियन इकोनॉमिक सर्विस का प्रिपरेशन करने के लिए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस तरह की वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा और कमेंट करके आप अपनी इच्छा अनुसार वीडियो बनवा सकते हैं मुझसे, इसलिए कमेंट कीजिए, मैं आपकी कमेंट को पिक करके मैं वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं सॉल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम। तो सबसे पहले हमको क्या दिया गया है, टू इंफॉर्मेशन दिया गया है, कॉस्ट मिनिमाइजिंग डिमांड फॉर लेबर इक्वल टू एल इक्वल टू क्यू बाय 50। ठीक है, फाइनल हमारा डेस्टिनेशन होगा क्या होगा, प्रोडक्शन फंक्शन को फाइंड आउट करना है कॉस्ट मिनिमाइजिंग डिमांड फॉर लेबर एंड कैपिटल दिए होने पर। ठीक है, तो इसको क्या करना, स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड, दोनों साइड हम स्क्वायर कर देंगे, तो क्या होगा, एल स्क्वायर हो जाएगा, यहां होगा क्यू स्क्वायर और यहाँ 50 का स्क्वायर, और यहां जो अंडर रूट डब्ल्यू बाय आर है, अब इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर खत्म होगा, जैसे अंडर रूट एक मीनिंग होता है ए टू द पावर 1/2, अब इसको स्क्वायर हम करेंगे तो क्या होगा ए टू बाय टू, क्योंकि लॉ ऑफ इंडेक्सेस में हम पढ़े हैं ए टू दी पावर एम पावर ए टू ऑल पावर एम, तो ये एम एन हो जाता है, यानी दोनों आपस में, तो यस इसका मतलब है कि जब हम अंडर रूट को स्क्वायर करेंगे तो उसका स्क्वायर रूट हटकर नॉर्मल फंक्शन बैक में चला जाता है। ठीक है, तो यहां भी एल स्क्वायर क्यूब स्क्वायर एज इट इज रहने दो, 50 स्क्वायर को भी एज इट इज रहने दो, अब इसका मीनिंग है कि हम इसका अंडर रूट का स्क्वायर करते हैं तो उसका स्क्वायर रूट मतलब हट जाता है, रूट स्क्वायर हट जाता है, तो हम आर बाय डब्ल्यू लिख सकते हैं, सॉरी आर बाय डब्ल्यू हम लिख सकते हैं। अब इस चीज को हम आगे की ओर ले चलते हैं, अब इसको सॉल्व किसके लिए करना है, क्यूब के लिए, क्यूब जहां प्रोडक्शन फंक्शन बता रहा है, एल लेबर बता रहा है, आर रेंट कर सकते हो प्राइस ऑफ कैपिटल, और डब्ल्यू प्राइस ऑफ लेबर या वेज कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पर हम आ गए, अब ये आपको यहां पर क्यूब के लिए सॉल्व करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन करना पड़ेगा, तो सबसे पहले आप देखो ये एल स्क्वायर है, अपने जगह पर रहने दो। ठीक है, ये 50 क्यूब यहां पर डिनोमिनेटर में, इधर जाके कहां चला जाएगा, न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो 50 स्क्वायर देखते जाओ, ये हो गया, इसका काम हो गया, ये W बाय R है तो इस साइड R बाय W है, लेकिन इसको जब हम शिफ्ट कर देंगे LHS साइड में तो पोजीशन बदल जाएगा, जैसे 50 का पोजीशन था डिनोमिनेटर में RHS साइड में, तो LHS साइड में ये न्यूमरेटर में चला गया, उसी तरह W चला जाएगा न्यूमरेटर में जब LHS साइड में आएगा, और R चला जाएगा डिनोमिनेटर में, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं W बाय R इक्वल टू क्यूब स्क्वायर। अब इधर से थोड़ा अरेंज कर देते हैं, हम क्यूब स्क्वायर को पहले लिखते हैं, क्यूब स्क्वायर इक्वल टू ये वैल्यू है वो लिख देते हैं,
एल स्क्वायर 50 क्यूब 50 स्क्वायर ठीक है डब्ल्यू बाय आर। अब इधर स्क्वायर है तो उधर हम शिफ्ट कर देंगे, जस्ट उल्टा होगा तो क्या होगा, रूट स्क्वायर हो जाएगा, सबका पावर 1/2 हो जाएगा। तो क्यूब इक्वल टू क्यूब का इधर अंडर रूट में चला जाएगा, या आप इस तरह भी कह सकते हैं कि बोथ साइड टेकिंग स्क्वायर रूट, ठीक है, तो वो भी आप कर सकते हो। तो वही कर देता हूं और अच्छा रहेगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड। अब दोनों साइड हम स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर अंडर रूट क्यूब स्क्वायर, अभी टोटल हो जाएगा एल स्क्वायर 50 स्क्वायर डब्ल्यू बाय आर। अब इसका वैल्यू आप आसानी से, इसका मतलब देखो यहाँ पर हम करके पहले भी दिखाएं, जब किसी का स्क्वायर करेंगे तो क्यूब स्क्वायर है तो इसका अंडर रूट का वैल्यू क्या होगा, मैं दिखा चुका हूँ, इसका क्यूब होगा, एल स्क्वायर का एल होगा और 50 का 50 होगा, बट इसका एज इट इज रहने दो डब्ल्यू बाय आर, ठीक है। तो एक वैल्यू हमें प्राप्त हुई, वहां पर हम पहुंच रहे हैं, ठीक है। तो अब इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, क्यूब इक्वल टू 50 L अंडर रूट डब्ल्यू बाय आर, ये इक्वेशन 1 आप इसको लिख लो, ठीक है। अब हम लेंगे प्राइस फॉर कैपिटल, तो क्वेश्चंस में आपको दिया गया है प्राइस फॉर कैपिटल, ठीक है, तो उसका हम लेते हैं। तो कैपिटल का के इक्वल टू क्यू बाय 50 अंडर रूट डब्ल्यू बाय आर। अब ये इधर चला जाएगा तो क्या लिखाएगा, के अपना जगह पर रहेगा, ये उलट जाएगा, इधर जाएगा, क्योंकि आरएचएस में इसका पोजीशन जो है डिनोमिनेटर में जिसका है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा एलएचएस साइड में, और जिसका पोजीशन न्यूमरेटर में वो डिनोमिनेटर, यानी ये उलट से लिखाएगा यहाँ 50 बाय क्यू इक्वल टू अंडर रूट डब्ल्यू बाय आर। अब इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, अंडर रूट डब्ल्यू बाय आर इक्वल टू 50 के पाई क्यूब। तो देखो ये वैल्यू निकल गया, अंडर रूट डब्ल्यू बाय आर, और ये वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देना है इक्वेशन 1 में, तो क्यू इक्वल टू 50 L अपने जगह पर रहेगा, और इसका नया वैल्यू क्या है, इतना इक्वल टू 50 के पाई क्यूब, ठीक है। तो ये क्यूब क्या होगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन करेंगे तो क्यूब स्क्वायर हो जाएगा, ये 50 स्क्वायर हो जाएगा, देखते जाओ, और ये एल के होगा, ठीक है। फिर इसको देयरफॉर क्यूब करेंगे तो दोनों साइड क्या होगा, अंडर रूट हो जाएगा 50 स्क्वायर एल के। तो इसको हम फिर सॉल्व करेंगे, क्यूब इक्वल टू, तो क्या होगा भाई, 50 बाहर आ जाएगा क्योंकि अंडर रूट रहेगा 50, तो बाहर आ जाएगा, तो 50 क्योंकि 50 स्क्वायर इसका अंडर रूट किया है तो बाहर आ जाएगा 50, और अंडर रूट एल के। अब इसको सजा के हम इस तरह लिख सकते हैं, प्रोडक्ट सम फंक्शन इक्वल टू 50 L^2 k^2। ऐसा क्यों कि अगर हम अंडर रूट ए लिखें तो उसको लिख सकते हैं a^2, ठीक है। तो ये दिस इज द प्रोडक्शन फंक्शन, हमको कैलकुलेट करना था, इस क्वेश्चन में हमें बोला, इस क्वेश्चन में बोला गया था, वी आर टोल्ड टू फाइंड आउट द प्रोडक्शन फंक्शन विद द गिवन प्राइसेस फॉर कॉस्ट मिनिमाइजिंग प्राइसेस फॉर लेबर एंड कैपिटल, एंड आई कैलकुलेटेड प्रोडक्शन फंक्शन विद द गिवन इंफॉर्मेशन इन दिस क्वेश्चन, and this question carried 5 marks in Indian Economic Service. And enjoy this solution. And if you want to get more solution on examination, ask a question for Indian Economic Service. You can make comment and माने बिना हेजिटेशन के आप जितना ज्यादा कमेंट करोगे उतना ज्यादा इस पर मैं वीडियो बनाऊंगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल एंड।
जय हिंद।